नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में हम यह देखेंगे कि वर्णन करें का उत्तर क्या लिखें। मित्रों, आपने देखा होगा माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक या स्नातक, तो प्रश्नों के पीछे वर्णन करें ऐसे दिया हुआ रहता है। कोई प्रश्न विशेष का इतिहास हो या फिर हिंदी भी है, तो ऐसे देकर उसके पीछे रहता है कि वर्णन करें। या फिर आपने छोटे क्लासों में भी देखा होगा कि डिस्क्राइब वर्ड इसके लिए भी प्रयोग होता है, और ना केवल डिस्क्राइब शब्द बल्कि और भी बहुत सारे शब्द हैं हिंदी हो या अंग्रेजी में कह दूं। जैसे कि वर्णन करे की जगह आपसे विवरण दो, ये भी आपने देखा होगा, विवरण दो, या फिर बताइए, गिनाइए, कौन कौन है, गिनाइए, या सूचित कीजिए, उल्लेख, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उल्लेख करें, उल्लेख कीजिए। तो ये जो है ना शब्द, इनका मतलब ही वही है जो वर्णन करे का है। इसमें वही लिखना है, उसी को सोच कर लिखना है जो आप वर्णन करे में लिखेंगे। जहां तक मित्रों अंग्रेजी का जो सवाल है, इसके लिए वर्ड होता है जो अभी हमने हिंदी में कहा, विवरण करिए या वर्णन करिए, इसके लिए डिस्क्राइब वर्ड का प्रयोग करता है। डिस्क्राइब या गिव डिस्क्रिप्शन, ये आपने देखा होगा। इन्यूमरेट, ये शब्द भी आपने देखा है। ब्रिंग आउट, उल्लेख करें, ब्रिंग आउट, ये भी आपने देखा है। इंडिकेट, तो अंग्रेजी में ये सारे शब्द हैं, और हम हिंदी में कहें तो विवरण करें, तो वर्णन करें, सूचित कीजिए, उल्लेख कीजिए, गिनाइए। तो ऐसे शब्दों का भी उत्तर वही होगा सबका, एक ही ग्रुप का है सब। हमने व्याख्या करो अभी देखा, इसके पहले आपने देखा होगा। तो व्याख्या करो में क्या होता है, व्याख्या करो में जो था उससे मैं बात को करूं आगे तो अच्छा रहेगा। तो जब आप व्याख्या करते हैं तो यह आपसे अपेक्षा करता है परीक्षक, यह अपेक्षा होती है सबकी कि आपको अपने शब्दों में अपने तरीके से बात को रखना होता है, अपने शब्दों में अपने तरीके से बात को रखना, ये व्याख्या करो है। लेकिन जब आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है वर्णन करो, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब साफ साफ हुआ कि भाई ये आपको अपने तरह से इसमें कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो है ना वर्णन करो, एक तरह से कहूं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिविटी अंग्रेजी में कहें तो, वस्तुनिष्ठ मतलब वस्तु विशेष, जो पूछा गया है किसी वस्तु के बारे में सिर्फ वही बताना है, अपने मन से, अपने तरफ से, अपने जैसा आपको लगे वैसा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ आपको वही बताना है जो आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका सब्जेक्टिविटी अर्थात यूं कहें कि व्यक्तिगत रूप से कुछ भी लिखने का स्कोप नहीं है, कोई भी जगह नहीं है इसमें, आपको वस्तुनिष्ठता के रूप में लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी का पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो इसका मतलब आप क्लियर हो गया कि जहां आपको अपने व्यक्तिगत विचार को, भाव को व्यक्त करने का कोई जगह नहीं है, जब भी वर्णन किया जाए कहा जाए, तो आपको अपने व्यक्तिगत विचार या भाव को बताना नहीं है, बल्कि जो है जैसा है वैसा का वैसा बता देना है। बस ये वाक्य, यही इसको याद रखें, जो है जैसा है वैसा का वैसा बता देना वर्णन कर रहे हैं, अपने से कुछ करने का जरूरत नहीं। तो ये हुआ वर्णन करें, जो है जैसा है
गुस्सा का वैसा बता देना। अगर आप देखे बच्चों का ही देखे, डिस्क्राइब अबाउट काउ, डिस्क्राइब काउ, या फिर अबाउट डिस्क्राइब के साथ अबाउट का प्रयोग नहीं होता, राइट अबाउट काउ ठीक है, या गाय का वर्णन करें, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसमें सिर्फ गाय के बारे में आपको बता देना है, उसका परिचय दे सकते हैं आप, उसके आकार, रंग, भोजन, स्वभाव, लाभ, हानि ये बता सकना, यही वर्णन है बस। इसमें आपको अपने मन से कुछ नहीं बताना है, जो है सो रख देना है, या फिर बड़े प्रश्न में उच्च माध्यमिक या माध्यमिक में भी प्रश्न आते हैं तो उनका वर्णन करिए, जो भी आपसे पूछा जाए वर्णन करिए। तो आपको सिर्फ न केवल वर्णन करें, इसके जगह उल्लेख करिए, सूचित कीजिए, विवरण दीजिए, ये सारा का सारा शब्द भी है जो आपसे सिर्फ यही कह रहा है मित्रों, जो है जैसा है वैसा का वैसा बता दीजिए, अपने तरफ से कुछ भी ना जोड़िए। वैसे ये सबके लिए, इसलिए मैं कोई खास रूप से कोई प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, ताकि चलिए मैं एक प्रश्न ले ही ले रहा हूँ, सुविधा भी होगा। वैसे बात यही है, मैं एक प्रश्न के सहारे से कोशिश करूँगा दिखाना कि ऐसा और बात को स्पष्ट कर लूँ, हो जाएगा आपके लिए। इतिहास का यह प्रश्न लेते हैं, उदाहरण के तौर पर औपनिवेशिक भारत में आप औद्योगिकीकरण, इंग्लिश में कहें तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारणों एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4+4 8 मार्क्स का है, 8 नंबर का। यहाँ दो बातें आपसे पूछा गया वर्णन करने के लिए, एक तो कारण बताना है और दूसरा प्रभाव, किसका? तो औपनिवेशिक भारत में अब औद्योगिकरण का। तो औपनिवेशिक भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कारण और प्रभाव आपका वर्णन कीजिए कहा गया है। तो सीधा सीधी आपको ये नहीं बताना है अपने विचार से कि भैया ये कारण ये वर्णन, हालांकि कारण जो कुछ हो जैसा कारण है वैसा का वैसा आप प्रस्तुत कर दें। आप इसे सब हेडिंग के रूप में, एक हेडिंग के रूप में लिखना चाहेंगे तो यहाँ आपको ये नहीं बताना औपनिवेशिक भारत में आप औपौद्योगिकरण, तो औपौद्योगिकरण क्या है भूमिका में जरूरत नहीं है। कई लोग ये लिखना चाहते हैं कि औपौद्योगिकरण क्या है, इसके बाद वो आपको कारण बताएंगे, पर नहीं, आपको सीधा सीधा ये बताना है कि औपौद्योगिकरण के कारण, औपनिवेशिक भारत में औपौद्योगिकरण के कारण करके आपको कई कारणों को यहाँ पर गिना देना है, 1, 2, 3 करके कारण को हेडिंग कर करके जो आप बताना चाह रहे हैं उसे पहले संक्षिप्त में हेडिंग के रूप में लिख दें और फिर उसको बारे में बता दें। हर एक विचार को, कारण को आप एक एक हेडिंग के रूप में लिखते हुए उसमें उस हेडिंग को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाए। जैसे 1 नंबर हेडिंग लिख दिए और उसके बाद उस हेडिंग में लिख दिए, फिर 2 नंबर हेडिंग लिख दिए उसके में लिख दिए, ये कारण गिनाना है आपको। रहा प्रभाव का, ठीक उसी तरह औपनिवेशिक भारत में औपौद्योगिकरण के प्रभाव, और फिर उसी तरह से आपका 1, 2, 3 करके आगे बढ़ना है। याद रहे जो आपसे पूछा गया है तो उसमें यही लिखना है वर्णन करों में, जो है जैसा वैसा का वैसा बता देना है, या कारण बताना है और वर्णन बताना है, प्रभाव बताना है, ये हुआ आपका वर्णन कीजिए। और आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि उतने उसी बात, इसके अलावा इसमें नहीं पूछा मूल्यांकन करिए, प्रभाव अच्छा है कि खराब ये बताइए, ये कारण होना चाहिए, क्यों हुआ ये कारण, ये सब आपसे नहीं पूछा है, सिर्फ कारण पूछा है और आपको प्रभाव पूछा है, इसके क्या परिणाम हुए। उम्मीद है हम वर्णन करे रहें, या विवरण दीजिए, या सूचित कीजिए, उल्लेख कीजिए, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर
में सिर्फ हम जो हमसे पूछा गया है तो जो है उसे हम वैसा का वैसा लिख दे बता दे, इसके अलावा अपने तरफ से कुछ ना कहें। धन्यवाद।